हरियाणा प्रदेश वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग भारत की प्राचीन पद्धति का एक अमूल्य उपहार है और स्वस्थ जीवन जीने की कला है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल भारत को बल्कि पूरे मानवता को स्वस्थ रखने के लिए योग के प्रचार प्रसार का कार्य किया है। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से ही योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में योग का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। विश्व के सभी डॉक्टरों व विशेषज्ञों ने यह माना है कि शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाकर ही कोरोना संक्रमण से लड़ा जा सकता है। नियमित योग से ही शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, इसलिए योग एवं प्राणायाम को हम अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि हम सब कोरोना महामारी के साथ साथ अन्य बीमारियों से भी दूर रह सकें। मैं पुनः हरियाणा की जनता एवं हरियाणा योग परिषद को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। धन्यवाद। हरियाणा प्रदेश वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग भारत की प्राचीन पद्धति का एक अमूल्य उपहार है और स्वस्थ जीवन जीने की कला है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल भारत को बल्कि पूरे मानवता को स्वस्थ रखने के लिए योग के प्रचार प्रसार का कार्य किया है। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से ही योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में योग का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। विश्व के सभी डॉक्टरों व विशेषज्ञों ने यह माना है कि शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाकर ही कोरोना संक्रमण से लड़ा जा सकता है। नियमित योग से ही शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, इसलिए योग एवं प्राणायाम को हम अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि हम सब कोरोना महामारी के साथ साथ अन्य बीमारियों से भी दूर रह सकें। मैं पुनः हरियाणा की जनता एवं हरियाणा योग परिषद को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। धन्यवाद। हरियाणा प्रदेश वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग भारत की प्राचीन पद्धति का एक अमूल्य उपहार है और स्वस्थ जीवन जीने की कला है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल भारत को बल्कि पूरे मानवता को स्वस्थ रखने के लिए योग के प्रचार प्रसार का कार्य किया है। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से ही योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में योग का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। विश्व के सभी डॉक्टरों व विशेषज्ञों ने यह माना है कि शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाकर ही कोरोना संक्रमण से लड़ा जा सकता है। नियमित योग से ही शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, इसलिए योग एवं प्राणायाम को हम अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि हम सब कोरोना महामारी के साथ साथ अन्य बीमारियों से भी दूर रह सकें। मैं पुनः हरियाणा की जनता एवं हरियाणा योग परिषद को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। धन्यवाद।